तो दोस्तों आप लोगों को पता ही एसएससी जीडी की तरफ से वैकेंसी आ चुका है और ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। 27 अक्टूबर से अप्लाई स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है आप लोगों का अप्लाई करने के लिए, वो है 30 नवंबर तक आप लोगों को अप्लाई करना होगा। और जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसका भी आप लोगों को मंथ क्लियर डिक्लेयर कर दिया गया है। जनवरी मंथ में आप लोगों का जनवरी 2023 में आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा जो सीबीटी का। मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार जो एसएससी दीदी की तरफ से जो भर्ती आया है उसमें थोड़ा कुछ बदलाव आया है, जो सिलेक्शन प्रोसीड्यू में कुछ बदलाव आया है वो बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों को पता ही है जो कैसे कैसे आप लोगों को एसएससी दीदी की तरफ से आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसीड्यू होता है, कुछ इस बार कुछ थोड़ा बदलाव आया है एग्ज़ाम की तरफ से। और इस बार टोटल वैकेंसी निकला है एसएससी जीडी की तरफ से जो कितना टोटल आप लोगों को पता ही है, जो इस बार निकला है 24,369 टोटल वैकेंसी आया है, जो बहुत बड़ा वैकेंसी है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्यू की तरफ से कैसा कैसा सिलेक्शन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वैसे आप लोगों को तो पता ही है जो इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों का नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, मास्क भी होना चाहिए। और इस बार जो एज कैटेगरी है इस कैटेगरी आप लोगों को मिलेगा 20 कितना मिलेगा आप लोगों को 26 तक आप लोगों को दिया गया है। और एस सी एस टी ओबीसी आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट रूल हिसाब से जो 5 ईयर्स और 3 ईयर्स का डिफरेंस रिलेक्सेशन दिया गया है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें अप्लाई करने के आप लोगों का क्वालिफिकेशन से आप लोगों को 10 पास करना तभी आप लोग 10 पास और तभी आप लोग अप्लाई यहाँ में अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग 10 पास भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए और इसमें एक बड़ी बात यह है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट लिए 5% रिजर्वेशन किया गया है मार्क्स, मतलब आप लोगों के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा तो आप लोगों को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। और एनसीसी बी के लिए जैसे दिया गया है 3%, मतलब 3 मार्क्स, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए है 2%, मतलब 2 मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों का जो बदलाव आया है एसएससी की तरफ से, इस बार बदलाव आया है जो जहाँ मैं बदलाव बताना चाहता हूँ कि आप लोगों एग्ज़ाम में जो सीबीटी में जो एग्ज़ाम होगा इसमें थोड़ा बदलाव आया है इस बार। वो बदलाव है कि आप लोगों को जो रिटर्न में बदलाव आया है कि जनरल इंटेलिजेंस में आप लोगों को 20 क्वेश्चन आएगा और मार्क्स आएगा 40, मतलब पहले एक क्वेश्चन में 1 मार्क होता था, आप 1 क्वेश्चन में 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको 2 मार्क्स देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स आप लोगों को देखने के मिलेगा। फिर वैसे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में आपको आप लोगों को 20 क्वेश्चन मिलेगा जो 40 मार्क्स होगा। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आप लोग मैथ्स में आप लोगों को मिलेगा 20 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंग्लिश या हिंदी मतलब ग्रामर में आप लोगों को इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, उसमें भी 20 क्वेश्चन आएगा और 40 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन के अगेंस्ट आप लोगों को 2 मार्क्स देखने को मिलेगा। सो दोस्तों और टाइम आप लोगों को दिया जाएगा 60 मिनट टाइम दिया, पहले दिया गया था कि टाइम 90 मिनट दिया गया था और 100 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला था। अभी आप लोगों को टोटल 80 क्वेश्चन आप लोगों को देखने का 80 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा और टाइम अगेंस्ट दिया जाएगा आप लोगों को 60 मिनट, मतलब 1 घंटे के अंदर आप लोगों का एग्जाम खत्म करना होगा। और मार्क्स से एक क्वेश्चन के अगेंस्ट आप लोगों को 2 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स देखने को मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है जो एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग ये देखिए देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर, मतलब आपको रॉन्ग आंसर करना नहीं है, आप लोग एक रॉन्ग आंसर करोगे तो आप लोगों को 0.50 मतलब हाफ मार्क्स काटा जाएगा, हाफ मार्क्स आपको एक क्वेश्चन का काटा जाएगा, जो राइट आंसर होगा वहाँ में से एक हाफ मार्क्स काटा जाएगा आप लोगों को। सो ये गली मत करना है, आप लोगों को नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ में थोड़ा और बदलाव नहीं है, जो हाइट वगैरह जो बदलाव होता है वो भी तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, जो हाइट वगैरह सेम ही है जो अगली बार जैसा था कि हाइट नोटिस के लिए थोड़ा इलेक्शन दिया गया जाया गया है और उसी जैसे था वैसे ही है सिलेक्शन प्रोसीड्यू। बाकी एग्जाम में थोड़ा बदलाव आया है, रिटर्न एग्जाम में वही है जो 80 मार्क्स मिलने 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 क्वेश्चन अगेंस्ट 2 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.50 मतलब एक आंसर गलत करके तो आप लोगों को हाफ मार्क्स काटा जाएगा। और आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन फीस भी पे करना पड़ेगा इससे पहले जैसा ही, एप्लीकेशन फीस होगा आप लोगों का 100 रुपीज़ आप लोगों का एप्लीकेशन फीस आप लोगों को देना पड़ेगा, 100 रुपीज़ आप लोगों को एप्लीकेशन फीस होगा, मतलब ऑनलाइन फीस आप लोगों का 100 रुपीज़ होगा।